दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह से जो है काम करती है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो इस वीडियो में हम जो है इसी विषय पे बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने जो है ये बात तो सुना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके कोई चीज़ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में नहीं पता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या। सो दोस्तों, ब्लॉकचेन जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी सिक्योर टेक्नोलॉजी है मैं बोलूँगा, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एक सिक्योर वे में जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए जो है इसको बनाया गया और जिसके थ्रू जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन। सो दोस्तों, ये बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र सक्सेसफुली सिक्योर वे में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है इसको बनाया गया 2008 में। और लेकिन अब स्लोली ग्रेजुअली जो है ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत सारे और चीज़ों में भी इस्तेमाल होने लग गया है। तो ये तो है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा तरीका जो कि हमारी ट्रांजैक्शंस को एक सिक्योर वे में या हमारे किसी भी डेटा को ऐसे सिक्योर रखता है जिसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये काम कैसे करता है और क्यों ये टेक्नोलॉजी जो है ऑनलाइन दुनिया में होने के बावजूद भी जो है से इतनी ज़्यादा सिक्योर है। सो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इसका इनिशिएट होता है, तो जब भी कोई भी पैकेट इसका टेक्नोलॉजी का इनिशिएट होता है तो ये इसके अंदर तीन तरह के जो है बॉक्स बन जाते हैं, यानी कि ब्लॉक्स बन जाते हैं। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कह सकते हैं इसको, यानी कि एक ऐसा लेजर है, ऐसी एक खुली किताब है जिसको कोई भी आके पढ़ सकता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक साथ होते हुए भी, यानी कि बहुत सारे लोगों को इस हर पैकेट के बारे में, हर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसकी है, जितनी भी इसकी प्रेजेंस है ऑनलाइन, उन सब पैकेट्स में उन सब रिकॉर्ड्स का जो एक्सेस है वो किसी को भी मिल जाता है। यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एक पब्लिकली ओपन टेक्नोलॉजी मानी गई है। सो दोस्तों, यहाँ पे हर ब्लॉक है जो इसका, उसके अंदर जो है तीन चीज़ें जो हैं डेटा यूनिक हैं। पहला है डेटा, यानी कि आप जो उसके अंदर डेटा रख रहे हो वो तो आपका एज इट इज़ यूनिक, जैसे इस ब्लॉकचेन के अंदर वो इंसर्ट होता है, नया डेटा जो है जनरेट होता है, तो वो आपका जो डेटा है वो एक यूनिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ जो दो हैश वैल्यूज़ होती हैं, एक तो इस हर बॉक्स की, हर ब्लॉक की जो बेसिकली खुद की एक हैश वैल्यू होती है, और एक जो इसके प्रीवियस ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है। सो दोस्तों, जब भी एक हर जितने भी इसमें ब्लॉक हैं उनको जैसे ही उनका जनरेशन होता है तो वहाँ पे उनको एक यूनिक जो है हैश वैल्यू मिलती है, जैसे कि हमारे थंब की वैल्यू है, हमारे फिंगरप्रिंट्स की जो वैल्यू है वो एक यूनिक, हमारे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। सो उसी तरह हर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर भी एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, यानी कि एक यूनिक जो है हैश वैल्यू मिलती है, जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी दूसरी जगह अवेलेबल डुप्लीकेसी उसका नहीं हो सकता है। सो अगर कोई भी उसमें चेंज करता है, यानी कि अगर कोई भी हैकर जो है उसके अंदर किसी भी वैल्यू को छेड़खानी करने की, कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसकी जो हैश वैल्यू है वो हो जाती है चेंज। तो जैसे ही वो हैश वैल्यू है जो चेंज हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपस में जो ब्लॉकचेन है वो किस तरह से कम्युनिकेट करती है, किस तरह से ये डेटा को सिक्योर बनाती है, उस पर ज़रा ध्यान दे लेते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है तीन तरीके, जब भी कोई है ब्लॉकचेन का कोई पैकेट जो जनरेट होता है उसमें तीन तरह के जो है उसके अंदर ब्लॉक बनते हैं, जिसमें पहला जो है उसमें दो हैश वैल्यू हैं,
हैश वैल्यू और प्रीवियस हैश वैल्यू। तो जो पहला बॉक्स होता है उसके अंदर जो उसमें प्रीवियस हैश वैल्यू है वो हमेशा 000 होती है, यानी कि उसकी कोई भी प्रीवियस वैल्यू नहीं होती है, जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं। तो उसका जो हैश वैल्यू है वो सेकंड ब्लॉक की जो प्रीवियस हैश वैल्यू बन जाता है, और सेकंड की जो ब्लॉक की जो हैश वैल्यू है वो हमारे थर्ड ब्लॉक की जो हैश वैल्यू बन जाता है। सो दोस्तों, जो भी पैकेट जनरेट होता है इसमें उस पैकेट के 3 ब्लॉक तो डेफिनेटली पहले इनिशियल स्टेज पे बन ही जाते हैं। अगर कोई भी हैकर किसी ब्लॉक में को हैक करता है, उसमें कोई चेंजेस करता है, तो उस ब्लॉक की जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो हैश वैल्यू उस बॉक्स की चेंज हुई है वो नेक्स्ट ब्लॉक जितने भी उसके बाद के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके साथ वो मैच नहीं करती है, तो इसलिए जो पूरी की पूरी ब्लॉक चैन है वो इनवैलिड हो जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली P2P पे कनेक्टिविटी पे काम करती है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म करती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, और इसके अंदर जो है जितने भी मेंबर हो सकते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर इसके अंदर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है इसमें। तो जैसे कोई नया मेंबर उस ट्रांजैक्शंस में कोई भी इनिशिएट होता है ये ट्रांजैक्शन, तो उसमें जितने भी नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उनको जो है उसकी जो हर जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर उस पैकेट के उस ट्रांजैक्शंस के अंदर उनकी एक वैलिड जो फुल कॉपी जो है हर जितने भी उसके अंदर नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उनको सबको मिलती है। तो जैसे उसमें कोई ट्रांजैक्शन का डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जनरेट करने के लिए किया जाता है, एक नया ब्लॉक बनता है जो कि डेटा कैरी करता है, और वो सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी उस ट्रांजैक्शंस को कवर कर रहे हैं यूजर्स या मेंबर्स पूरे वर्ल्ड वाइड, वो सभी के सभी को वो जो है उसकी वैल्यू मिल जाती है, और वो आपस में वापस एक बार पूरा बॉक्स जो ब्लॉक जो है वो सभी के पास पहुंचने के बाद भी आपस में पूरा कम्युनिकेट करता है नेटवर्क, और वापस उसको वैलिड बनाता है ताकि वो चेक करता है सभी जगह जो है वो जो ब्लॉक पहुँचा है सभी मेम्बर्स के पास वो बराबर है कि नहीं, उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं हुई। सो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन इस ब्लॉकचेन के थ्रू जो है सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब जितने भी मेंबर्स ने उस ट्रांजैक्शन को ज्वाइन किया है, और वो सभी मेंबर्स की अगर सब जो भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये जो ब्लॉक वैल्यू जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कंप्लीट है, सभी की जब वो वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट मानी जाती है, यानी कि सभी के जितने सब मेंबर्स हैं उसके अंदर उन सभी के पास जो ब्लॉक्स हैं वो सभी इक्वली सबकी वैल्यू जो है बिना छेड़खानी के मैच करती है, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस मानी जाती है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं होती तो उसकी जगह पे नए ब्लॉक्स के द्वारा है नई ट्रांजैक्शन जो है इनिशिएट करी जाती है। सो दोस्तों, ऐसे में बात ये आती है कि हैकर क्यों नहीं इसको हैक कर सकता, क्योंकि हैकर अगर किसी भी बॉक्स को किसी भी ब्लॉक को अगर हैक करता है उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होती है, तो अभी किसी भी हैकर के लिए एट अ टाइम वर्ल्ड के अंदर ना जाने कितने मेंबर्स जो है एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं एट अ सेम टाइम, और सभी के पास वो एक वैलिड पूरे वैल्यूज वाले जो ब्लॉक चैन होती है वो अवेलेबल होती है। तो ऐसे में अगर हैकर को कोई भी ट्रांजैक्शन को हैक करना है तो उसके लिए उसको एट द सेम टाइम जितने भी वर्ल्ड के अंदर मेंबर्स हैं उनको सबको एक साथ ही हैक करना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि किसी भी हैकर के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है कि एक साथ वो वर्ल्ड के अंदर इतने सारे यानी कि हजारों लाखों जो मेंबर्स एक एक ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करते हैं उस उनको हैक करना एट द सेम टाइम, ये किसी भी हैकर के लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक
हर चीज को, डेटा को सिक्योर रखने के लिए, यानी कि अगर इस ऐसी कंडीशन में कोई अगर कंप्यूटर है किसी मेंबर का, वो अगर क्रैश भी हो जाता है तब भी इसके जो डेटाज हैं वो वर्ल्ड के बहुत सारे अदर कंप्यूटर्स में भी पड़े हैं। तो इसलिए इसका जो प्रेजेंस है, यानी कि इसकी यूनिटी है, जो इसका सेफ्टी है, वो भी एक तरह से परफेक्ट है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पे आज पहली बार मैं बोलता हूँ कि मैं आपको एक लाइक का जो है टारगेट देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को मिनिमम जो है 100 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।